Hey guys, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update from Seekers Adda. Hello दोस्तों, welcome to Seekers Adda. दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन बैंक की तरफ से जो वैकेंसी आउट हुई है प्रोविजनरी ऑफिसर्स की, उसके बारे में. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी डायरेक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी नहीं कि मतलब आपने एग्ज़ाम निकाला और आपको इंडियन बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर नौकरी मिल जाएगी. नहीं, ये जो आपकी वैकेंसी आउट हुई है ये आई है एडमिशन के लिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में. ठीक है, ये आपका एडमिशन होगा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग में, जो आपको कुछ टाइम के लिए एक कोर्स में एडमिशन देंगे और वहाँ पर आप पढ़ाई करके निकलोगे और आपको एक डिप्लोमा रहेगा जिससे आप डायरेक्ट इंडियन बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर करते हो डायरेक्ट आपको एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इंडियन बैंक में जगह नहीं मिलेगी. आप जाओगे कॉलेज में, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करोगे, डिप्लोमा कोर्स अपना कंप्लीट करोगे, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा. ऑब्वियसली इस कोर्स की फीस रहेगी कुछ, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजी जाएगा और उसके बाद में फिर आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इंडियन बैंक में ज्वाइन करोगे. तो चलिए देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स. तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल करना चालू करोगे 1 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में. ठीक है, उसके बाद में आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो भी सेम ही रहेगी, 1 अगस्त 2018 से 27 अगस्त 2018 के बीच में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं. साथ ही साथ आपकी फ़ीस को पे करने की लास्ट डेट भी वही रहेगी. उसके बाद में आप अपना कॉल लेटर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं 24 सितंबर के बाद से. ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री आपका होगा 6 अक्टूबर 2018 को, रिजल्ट उसका आ जाएगा 17 अक्टूबर 2018 को. ठीक है, मेंस के लिए आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे 22 अक्टूबर 2018 को और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस जो होगा आपका वो होगा 4 नवंबर 2018 को. ठीक है, डेट सारी क्लियर है. फर्स्ट आपकी सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं वो है 1 अगस्त, और लास्ट डेट है आपकी 27 अगस्त. ये अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है. उसके बाद में अगर अपन वैकेंसीज देख लें तो एससी कैटेगरी के लिए 62 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 31 है, ओबीसी के लिए 112 है, जनरल के लिए 212 है, 212 वैकेंसीज है. टोटल आपकी 417 वैकेंसीज है यहाँ पर. चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज की अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन आपका अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. आपका यहाँ पर एक डिग्री यानी कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या फिर ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होना आपका ज़रूरी है. यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम आपके स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं मांगा है, बस आपको एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास में. एज की बात कर दी जाए तो मिनिमम आपकी 20 ईयर्स है, मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पर 30 ईयर्स है. उसके बाद में फीस की बात की जाए तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है और आपकी अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है. ये आपका टोटल ऑनलाइन पेमेंट होगा. हम और कहीं पे भी किसी भी पोस्ट से या फिर एफिडेविट से आपको पे नहीं करना है. आपको जो पेमेंट करनी है फ़ीस की वो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा. उसके बाद में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फाइनल अपना फॉर्म फिल कर लिया है तो ये जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है. अगर आपसे कोई गलती हो गई फॉर्म फिल करने में तो आपका ये जो पैसे हैं फीस जो आपने पे किए हो कहीं से कहीं तक रिफंड नहीं होगा. तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो ज़रूर बहुत ध्यान से कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो. और ये जस्ट एक ओवरव्यू रहता है इस पे वीडियो में कि किस तरीके से वैकेंसीज आई हैं, डेट्स कौन कौन सी हैं. आपको जब भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो आप एक बार उसका नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसको पूरा पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ही किसी फॉर्म को आप फिल कीजिए.
ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम फीस यहाँ पर। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर ली जाए तो प्री और मेंस दो एग्जाम होंगे। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग बेस होगा, इसके नंबर आपके काउंट नहीं होंगे, यानी कि अगर आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तभी आपको मेंस में बैठने के लिए मिलेगा। ठीक है, प्री में सब्जेक्ट रहेंगे आपके तीन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे, और मीडियम ऑफ एग्जाम यानी कि क्वेश्चंस जो आप रहेंगे, क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम ही है आपका, इसमें 35 नंबर के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपकी लैंग्वेज जो है ऑप्शनल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है, आपको तीनों के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिला है। जैसे कि अभी IBPS के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स दे दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके पास में 100 नंबर के 100 क्वेश्चन है और आपके पास में टाइम है 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट्स का यहाँ पर आपको टाइम मिला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर मेंस का पैटर्न क्या रहेगा। तो मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 तो आपके वही है, रीजनिंग और कंप्यूटर को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसके 60 हैं, और इसके जो मीडियम ऑफ एग्जाम है हिंदी इंग्लिश जो है दोनों में आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स का है, यहाँ पर आपको 60 मिनट में 45 क्वेश्चंस बनाने हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस की बात की जाए तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, और यहाँ पर 35 मिनट का आपको समय दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, और यहाँ पर लैंग्वेज देखिए इंग्लिश ही रहेगी, और यहाँ पर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स का है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 हैं, और आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर 45 मिनट का। अगर टोटल बात की जाए तो 155 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके कितने 100 रहेंगे, और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका कितना 3 घंटे का। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके 100 नहीं है, को मैक्सिमम मार्क्स जो है देखिए यहाँ पर आपके 200 हैं, यहाँ पर गलती से नोटिफिकेशन में 100 लिखा गया है। देखिए 60 और 40 से 100 हो गया, 60 और 40 से 100 हो गया, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके 200 रहेंगे, ये नोटिफिकेशन में गलत आ गया है। उसके बाद में जो 5वां सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग रहेगी, 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तुरंत ऑन द स्पॉट आपको बताया जाएगा, ऑनलाइन ही रहेगा ये भी, कि आपको किस टॉपिक पर ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, वो आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, जैसे ही आप ये एग्जाम ख़त्म करते हैं आपको इसको लिखना। तो चलिए ये हो गई इंडियन बैंक की तरफ से जो वैकेंसीज आउट हुई है प्रोबेशनरी ऑफिसर की, उसकी डिटेल्स। आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो एक बार ज़रूर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए उसे, उसके बाद में फॉर्म फिल कीजिएगा। तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, जो भी आपको टॉपिक में डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर दीजिए, आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आप सभी के लिए, आप सफल हों। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। Thank you.